लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी के नेता लगातार महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और खामियां निकालते हैं। दोनों पक्षों से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहता है। एक तरफ जहां जदयू के नेता सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं जदयू के नेता बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जदयू नेता का कहना है कि 2024 में केंद्र से बीजेपी का सफाया होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री सहरसा सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन का कहना है कि बिहार में सरकार के के साथ जंगल राज पार्टी का असर देखने को मिल रहा है। अपराधी फिर से बाहर आ चुके हैं। कोसी के इलाके में पिछले 15 दिनों से 13 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस तरीके से सभी एक दूसरे की खामियां बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ तरीके से शब्दों के बाढ़ चलाते हैं और एक दूसरे की कमियां बता रहे हैं। शायद ऐसे में कहीं न कहीं विकास के साथ धोखा किया जा रहा है। खैर, महागठबंधन की सरकार क्या गुल खिलाएगी यह तो जनता भविष्य में ही तय करेगी। R9 भारत के लिए गौरव चौधरी, सहरसा, बिहार। मैं उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई दिवाकर सिंह जी, उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव रंजन जी, उपस्थित बिहार प्रदेश के हमारे नेता जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर के सम्मानित अध्यक्ष भैरव झा जी, जिला के महामंत्री दिनेश यादव जी, हमारे मधेपुरा जिला के प्रभारी सरवर चौधरी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रिंकी जी, हमारे जिला मंत्री राजीव रंजन शाह जी, सहरसा के व्यवसायियों को तो पूरे शहर इससे उजड़ जाएगा। इसके कारण बहुत व्यवसायी इस समस्या को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे थे। आने वाले समय में अब यह रेल ओवरब्रिज सब्जी बाजार में सहरसा रेलवे स्टेशन के आगे से लेकर और पूरा बाजार तक के रूप में एक नए नक्शा के रूप में यह रेल ओवरब्रिज का निर्माण होगा, जो अब 183 करोड़ रुपए की लागत से घटकर मात्र 87 करोड़ रुपए की लागत में यह ओवरब्रिज बनेगा, जिस राशि में 78 करोड़ रुपए भारत सरकार के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिया था। अब राज्य सरकार की कम ही राशि में यह रेल ओवर ब्रिज बनेगा। इसके लिए टेंडर को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है, रेल में NOC के लिए भेजा गया है। वहां से प्राप्त होते ही आने वाले समय में यह रेल ओवर ब्रिज बनने का काम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह रेल ओवर ब्रिज बनने का काम शुरू होगा। मैं सहरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, किसी भी हालत में इस रेल ओवरब्रिज को बनना है। यदि इस रेल ओवरब्रिज को किसी प्रकार से रोकने का प्रयास किया जाएगा तो मैं सहरसा की जनता की ओर से सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए जो भी मुझे आंदोलन करने की आवश्यकता होगी उस करने से मैं नहीं चुकूंगा। साथ ही नगर निगम जो दो बार इसको रुकने का प्रयास किया, होने के बाद भी आपको पता है कि इसको रुकने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे द्वारा इस नगर निगम को स्वीकृत कराया गया है और आने वाले समय में सहरसा के बहुत सारे ऐसे विकास हैं। मैं विपक्ष में अवश्य हूँ, जनता ने मुझे सरकार में भेजा था, लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने मुझे विपक्ष की भूमिका के रूप में लाने का काम किया है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं विपक्ष में रहकर एक मजबूत विपक्ष की हैसियत से और इस सहरसा के बेटा के हैसियत से सहरसा की जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया है यहां के विकास के लिए, उसको किया कि हम जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी
कि एक अपराधी को कानून मंत्री का दायित्व दिया गया, उनको तो मंत्रालय से हटाना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि ये जो चश्मा से ये साफ करने का काम आपने किया है कि इस तरह चश्मा को इस तरफ लगा दिया, चश्मा बदलने का काम किया है, ये नहीं करना चाहिए। आप जो आप इस सरकार में जो भी दागी मंत्री हैं, उस दागी मंत्री को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते थे कि हम सुशासन हैं, लेकिन आप अपने स्वार्थ की राजनीति के कारण इस राज्य को जंगल राज में धकेलने का काम किया है। आने वाले समय में जनता इसके लिए आपको माफ नहीं करेगी। और ये जो आपने सिर्फ विभाग बदलने का काम किया है, मैं समझता हूँ सिर्फ जनता के आंख में धूल झोंकने का काम है। ये आप निश्चित रूप से यदि वो दागी थे तो उनको किसी भी मंत्रालय में रहने का हक नहीं था। आपने ये सिर्फ जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया, इसके अलावा ये कुछ नहीं। मंत्री जी, एक बार टीएटी अभ्यर्थियों के ऊपर तो लाठीचार्ज हुआ ही, आज फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज किया गया, इसका लेकर क्या कहें? देखिए, हम तो बराबर कहते हैं कि यह जो अब नीतीश कुमार जी, जिनके साथ नीतीश कुमार जी का गठबंधन हुआ है, उनको बिहार के जनता से उनका उनके विकास से उनको कोई मतलब नहीं। बिहार में जंगल राज पार्ट 3 स्थापित हो गया। तेजस्वी जी अपने घोषणा पत्र में कहते कि हम रोजगार देंगे, हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और 10 लाख मुख्यमंत्री जी उसको जोड़ करके कहे। लेकिन आज जब आप देखेंगे तो जिस प्रकार से रोजगार मांगने के लिए यदि टीटी के छात्र जाते हैं तो उनके सरकार के एडीएम जिस प्रकार से उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, और आज की जो घटना है कि बीपीएससी के छात्रों पर जिस प्रकार से लाठी चार्ज हुआ है, यह बताता है कि यह सरकार की कथनी और करनी बदल चुका है। जो नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि हम सुशासन हैं, उनका यह सुशासन जैसे ही वो तेजस्वी जी के साथ राजद राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए, उनका सारा सुशासन ध्वस्त हो चुका है। और बिहार की जनता इसको बहुत अच्छे इस करने में पीछे नहीं हटूंगा, यह मैं सहरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही साथ सहरसा के लिए कई ऐसे विकास कार्य जो मैं विभागीय स्तर से भी, चाहे वह सहरसा के स्टेडियम का कार्य हो, खेलो इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से स्टेडियम को बनाने का काम, या अन्य चाहे वह बनगांव का स्टेडियम हो, पचगछिया का स्टेडियम हो, सबको पुनरीक्षित करने का काम, बनगांव का स्टेडियम अब टेंडर की स्थिति में है, और आने वाले समय में सहरसा में खेल के क्षेत्र में विकास के लिए कई ऐसे काम जो करने थे वो मेरे द्वारा किया गया है। साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक विकास के लिए भी मैंने कई प्रकार के, आपको पता है कि लगभग 1 दर्जन महोत्सव को मैं सहरसा के लिए स्वीकृत किया हूँ, जिसका विवरण आपको पता है कि होली महोत्सव है, मानेसर महोत्सव है, लक्ष्मीनाथ महोत्सव है, मटेश्वर महोत्सव है, इसके साथ ही साथ रविदास महोत्सव है, इसके बाद मैं इस बार जो है सो दीना भद्री महोत्सव भी दिया हूँ, विराटपुर के महोत्सव को दिया हूँ, भगवा के दलान महोत्सव को दिया हूँ, विद्यापति महोत्सव लक्ष्मीनिया के लिए मैं दे करके भेज करके स्वीकृत करके आया हूँ, और कई ऐसे महोत्सव हैं, भास्कर महोत्सव सहरसा में पिछली बार हुआ था। इस प्रकार से सांस्कृतिक उत्थान के लिए मैं कई काम किया, सहरसा में कई स्थल को पुरातात्विक स्थल से जो समृद्ध स्थल था, चाहे वह मटेश्वर धाम हो, भारती मंडन का स्थल हो, बाबा भवानेश्वर का स्थल हो, नकुचेश्वर महादेव का स्थल हो, इन सारे स्थलों को मैं मेरे द्वारा पुरातात्विक दृष्टि से इसका सर्वे करा करके इसको पुरातात्विक दृष्टि से सुरक्षित कराने का मैं काम किया हूँ। साथ ही साथ संत बाबा कारू खिरहर के नाम से जो सहरसा में बहुत दिनों से संग्रहालय बंद था, उसको चालू कराते हुए आने वाले समय में सहरसा में एक नए स्वरूप में, अत्याधुनिक स्वरूप में
संत कारू खिरहरी संग्रहालय जो 15 करोड़ से बना उसको भी मैं स्वीकृत करके आया हूँ और वह टेंडर की प्रक्रिया में है। इस प्रकार से मेरे द्वारा जो सहरसा के विभाग के माध्यम से कई जो विकास काम थे उसको भी मैं करने में का प्रयास किया हूँ। साथ ही साथ सहरसा के मेडिकल कॉलेज के लिए मुझे जितनी लड़ाई लड़नी थी इसके लिए मैं कई ऐसे बड़े नेता का को भाजन भी बना, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसके लिए लड़ने का काम किया। आने वाला समय में भी इसके लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा और सहरसा के विकास के लिए मैं